वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार देर रात बीकानेर की कृषि उपज मंडी के सामने स्थित मालचंद मारू के हेयर सैलून में पहुंचकर उसकी हौसला अफजाई की। आपको बता दें कि मारू ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए का ऋण प्राप्त किया था, जिसकी सभी किस्तें समय पर चुकाने के कारण उसके दूसरे चरण में 20,000 रुपए का ऋण प्राप्त हुआ है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां पर अपने बाल बनवाए और हल्का हेयर कट भी करवाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दौरान हास परिहास करते हुए नजर आए। मालचंद मारू ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बताया कि उसने वर्ष 2010 में एक स्ट्रीट वेंडर के तौर पर हेयर सैलून खोला था। वर्ष 2019 में उसने प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर प्रारंभ पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण लिया। इसी दौरान कोरोना काल में प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सरकार से प्राप्त सहायता उसके लिए बड़ा संबल बनी। उन्होंने बताया कि पहले ऋण की सभी किस्तें समय पर चुका देने के कारण दूसरे चरण में उन्हें 20,000 रुपए का ऋण मिला। इस अवसर पर सीएम भजनलाल ने मालचंद के पिता से भी मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा समेत अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश भटनागर का। दुर्गेश, मुख्यमंत्री का एक नया ही रूप, एक नई फॉर्म देखने को मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री आधी रात को कानून व्यवस्था का मौका मुआयना करते हैं, वही रेन बसेरों में जाकर जायजा लेते हैं सर्दी के दौरान, वही ट्रैफिक के दौरान आम जनता को कोई परेशानी ना हो इसके लिए वीवीआईपी मूवमेंट के लिए भी एक नई पहल शुरू करते हैं। तो एक नया फॉर्म मुख्यमंत्री का देखने को मिल रहा है, इससे आम जनता के बीच में क्या संदेश जा रहा है? बिल्कुल अमित शाह, देखिए ये संदेश देने के लिए ही ये जो है मुख्यमंत्री इस तरीके के जो है कामों को अंजाम दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने वीआईपी कल्चर को धक्का दिखाते हुए उन्होंने कहा कि वो भी एक आम शहरवासी की तरह चलेंगे, जिस तरीके से ट्रैफिक चलता है उसी तरीके से उनके ट्रैफिक को रोका नहीं जाएगा, उनके कार ट्रैक को नहीं रोका जाएगा, कोई रूट नहीं लगाया जाएगा, वो भी एक आम शहरवासी की तरह ही जो रेड लाइट होती है उसका रुकेंगे और जो ट्रैफिक नियम है उनका उसकी पालना करेंगे। ये उसी कड़ी में हम जोड़कर देख सकते हैं, इसमें दो संदेश बहुत पढ़े जाते हैं। एक तो एक आम आदमी की पहुंच जो है वो उसके नेता, उसके मुख्यमंत्री तक बिल्कुल है, ये एक संदेश देता है और वो बराबर इस तरीके के जो है मैसेजेस जो है अपने कर्तव्यों से देते हुए आ रहे हैं मुख्यमंत्री। अब दूसरा जो संदेश है वो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, उसका भी सीधे तौर पर जो है प्रचार प्रसार है कि अगर कोई व्यक्ति को अगर अपने व्यापार के लिए कुछ पैसा चाहिए तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, उससे वो लोन ले सकता है और अगर वो लोन प्रॉपर वे में वापस लौटाता है, समयबद्ध तरीके से जो है उसकी किस्तें देता है, तो उसको वापस और ज्यादा लोन दिया जा सकता है। ये मैसेज जो है वो कल जिस से मिले नाई की दुकान चलाता है, वो हेयर सैलून चलाता है, गोपाल माकू जो है आपको बता दें उसको जो है सीधे तौर पर जो है मुख्यमंत्री मालचंद मारू के पास में, और जो है उन्होंने इस बात का संदेश दिया कि अगर कोई व्यक्ति लोन लेता है प्रॉपर वे में उसको वापस पे करता है तो उसको डबल मिल सकता है। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको भी जो है ईमानदार होना पड़ेगा, ये भी एक संदेश जा रहा है। और प्रधानमंत्री के द्वारा जो लोक कल्याणकारी जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका भी जो है प्रचार प्रसार इस जो उनका नाई की दुकान पर जाना हुआ उससे साफ तौर पर इंगित होता है। अमिशा जी, दुर्गेश, देखिए जब खुद मुख्यमंत्री जनता के बीच में जाते हैं, जनता की परेशानियों को सुनते हैं, तो जनता में एक तरीके से विश्वास बनता है कि जब खुद मुखिया हमारे बीच आकर हमारी परेशानियों को सुनते हैं तो एक विश्वास जागता है। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि आपने भी बताया कि केंद्र और जो राज्य सरकार की योजना है उनका भी एक तरीके से प्रचार प्रसार होता है। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री अपने
लगातार और इस तरीके के जो हैं वो कदम उठाते रहते हैं, आम आदमी से वो मुलाकात करते रहते हैं। वो उनका इसके पीछे सीधे तौर पर यही है कि वो एक जन अमानस से उठकर जो है वो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे हैं, तो ऐसे में वो आम आदमी की जो पीड़ा है उसको समझ सकें। और इसीलिए वो आपने देखा होगा कि रात को भी रेन बसरों का जो है वो निरीक्षण करने चले जाते हैं, थानों की क्या स्थिति है उनको देखने चले जाते हैं, सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक पर चले जाते हैं कि वहां पर किस तरीके की स्थिति है, लोगों का क्या विचार है, सरकार के बारे में क्या विचार है और क्या उनकी तकलीफें हैं और उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। वो आम लोगों से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और बहुत ही आत्मीयता से मिलते हैं और लगातार जो है वो जनसुनवाई भी अपने जो है अस्थायी निवास पर कर रहे हैं और वहां पर भी लोग बगाकर उनसे मिलते हैं और उनको अपनी कथा सुनाते हैं जिसका उन्हें जो है निराकरण करने के लिए वो लगातार कहते रहते हैं। तो ये तरीके ये जो कृत्य है, ये जिस तरीके से कदम जो मुख्यमंत्री शर्मा उठा रहे हैं, इससे कहीं कहीं वो जन नेता के तौर पर जो है वो सबके सामने आ रहे हैं और लोगों में जो है उनकी प्रसिद्धि भी बढ़ रही है और लोगों में उनका लगाव भी बढ़ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीकानेर दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने हास परिहास और उनका एक नया फॉर्म भी जनता के सामने नजर आया।